कमलेश भाई, यागी भाई, तमाम साथियों से समस्तीपुर जिले के शहर के दुर्गा पिक्चर पैलेस के निकट दीनबंधु टीम के द्वारा शहर के छात्रों, गरीबों, जरूरतमंदों के लिए संचालित कार्यक्रम को उजियारपुर के विधायक आलोक कुमार मेहता, समस्तीपुर के क्षेत्रीय विधायक राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन, समस्तीपुर जिला केंद्रीय सहकारिता बैंक के अध्यक्ष विनोद कुमार राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित फीता काटकर उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक शाहीन साहब ने अपना वक्तव्य में कहा कि भारत में 19 करोड़ लोग प्रतिदिन भूखे पेट सो जाते हैं। हमारे शहर में भूखे पेट सोने वाले के लिए उपयुक्त कार्यक्रम का आयोजन कर दीनबंधु संस्थान कारनामे को अति प्रशंसनीय बताया। उन्होंने कहा कि बढ़ते दिन सुबह 9 बजे से 3 बजे तक समस्तीपुर के रसोई के काउंटर पर भरकर भोजन मात्र 15 रुपए में दाल, चावल, भुजिया, अचार इत्यादि से संतुष्ट किया जाएगा। स्कूल इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक द्वारा संस्था को 101 स्टील थाली प्रदान करते हुए आगे भी सहायता करने का वचन दिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रांतीय नेता ललन यादव, जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर, सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष बेबी साहू, नगर परिषद के उप सभापति सारिक रहमान लवली, ट्रेड यूनियन नेता एसपी निराला, जनता दल यूनाइटेड नगर अध्यक्ष अनस रिजवान, समाज सेवी रंजीत कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट। आप जिला के लोगों को मदद कर रहे हैं, इसीलिए हर आदमी को चाहिए कि जो भी मदद करे, महीना में 100 रुपया ही, 50 रुपया ही, 200 रुपया ही, जरूर इनका नंबर वगैरह वगैरह पे देख रहे हैं। हम सब लोगों को मदद करना होगा, क्योंकि आप मदद करना चाहते हैं तो सही आदमी तक आपकी मदद नहीं पहुंच पाती, लेकिन आपको लगता है कि एक संस्था सही लोगों तक मदद पहुँचाने का काम कर रहा है तो हम लोग वैसा काम करें। मुझे लगता है इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा पूजा पाठ नहीं हो सकता है कि आप गरीब गुरबा लोगों की हर तरह से मदद करें। इस टीम ने कोरोना के समय में भी जिस तरह से काम किया है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। कई काम लोगों का हमने देखा है, निश्चित रूप से ये लोग पूरे दिल से, पूरी आस्था से मानव सेवा करते हैं, और मैं पुनः बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो भी बल पड़ेगा इस संस्था में हमारी तरफ से सहयोग के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।